महाराज कहिंदे मैं सचखंड विचों अकाल पुरख तो शब्द ले अज के आखो सतनाम। ये जेड़े इको ओंकार तो लेके गुर प्रसाद तक दी वर्डिंग न, इथे नानक करता नहीं है, इथे नानक दृष्टा है, इथे नानक स्रोता है। ये शब्द सचखंड विचों तुहानू उपजी, बख्शिश होई शब्द दी जिन्हों कह दिता शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द है जग बौराने, जिन्हों गुरु नानक ने बाणी विच लिख दिता गुरु अर्जन देव जी ने अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो। शब्द गुरु मैं सिखो तुहाडे वास्ते अकाल पुरख दा निर्गुण स्वरूप जो शब्द है वह इको ओंकार तो लेके गुर प्रसाद तक ले आए। फिर हुण नुक्ता चीनी विच नहीं पैना, कई कहने गुर प्रसाद तक मूल मंत्र है कई जान भाई, कई कहने नानक होशी पी सच तक मूल मंत्र, ये थोड़े जे नवे पढ़े लिखे ने खोज की है कहते गुर प्रसाद तो गाह नहीं टपना, क्योंकि खोज हुण सारी वधदी जांदी है। कहते पांच बाणियां भी बहुत है, एक समय तीन सवेरे पढ़ लिया करो, दो सांझ नू अज के आखो सतनाम, क्योंकि हुण गवर्नमेंट ने लिंक रोड बनाती बिंग वाल कढ़ते ना, बहुते फेर नहीं पैंदा रस्तियां च। इसे तरह सिख कहिंदा बाणी दे भी बिंग वाल कढ़ दो डायरेक्टे चलीए सीधे, लंबे रास्ते नहीं तुरना। तो तुहाडी मर्जी है, मेरा कोई विचार नहीं, कोई मैं अपना फैसला देवां, ये फैसले पंथक विचारां दे ने, कोई इंडिविजुअल अपनी विचार नहीं दे सकता। कोई नानक होशी पी तक पढ़ो, गुरप्रसाद तक पढ़ो, पर एक बेनती है किते घटते घटते एक ओंकार तक ही ना जे अज खे आखो सतनाम। इस तो डर लगता है भी कितने सिख कहे भाई एक ओंकार कह ले करो बथेर है, तो सतनाम भी कहनू कहना, थोड़े सामने सबूत ने जाके वेखो हरिमंदर साहब जब तुम बढ़ोगे ना ड्यूटी तो टप के, जेड़ा मेन गेट है हरिमंदर साहब का पुल तो जाके उत्थे खड़ जाओ, उत्थे खड़ के पढ़ो भी की लिखा होया हरिमंदर साहब के मेन गेट उत्ते, उतों तो वड्डा सबूत नहीं तुहानू मिल सकता कोई, उत्थे इको ओंकार तो लेके नानक होशी भी सच तक लिखा मिल, कल नू जाके पढ़ लो, फिर अकाल तख्त साहब आ जाओ। ये दोवें वड्डियां चीजां ना सिखो, अकाल तख्त दे सिंह साहब नू बेनती करियो मैनू सिंह साहब शहीद बाबा दीप सिंह दा चक्कर दिखाओ जिहड़ा शीश ते पहनदे सी, ओ जिस बाबा दीप सिंह ने गुरु गोबिंद सिंह नाल जीवन कटिया, आप पढ़े आप कथा सुनी आप नितनेम सुनिया आप बीड़ा लिखिया, बाबा दीप सिंह जी बीड़ा दे लथे बाबा दीप सिंह ने कीते, उन्हां दा क्यों सानू चक्कर दिखा उत्थे जिहड़ा शीश ते पहनदे सी, उत्थे बाबा दीप सिंह दा उपर नां लिखिया चक्कर दे, ते उस चक्कर उत्ते पढ़े वो मूल मंत्र इको ओंकार तो लेके नानक होशी भी सच तक। ये तो वड्डे प्रमाण केड़ा विद्वान दऊगा, केड़ा ग्रंथ दऊगा, तो ते एक मैं अपने वालों रह तुहानू दिंदा कि गुरु नानक गुरु होए ना साढ़े पहले, जिन्होंने सानू फाउंडेशन ऑफ सिखिज्म कह दो, जिन्होंने सिख धर्म बनाया, ते सिख दा मूल मंत्र इको ओंकार तो गुरु प्रसाद तक मनदे हो तुसी, जे साढ़े गुरु का ही नाम नहीं है तो असं मूल मंत्र किवें मनांगे। जिस शब्द विच नानक नाम नहीं है उहनू असीं किवें पूरा गुरु मंत्र मनांगे। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, मेरी इहदे विच कोई दलील नहीं, पर इहनू कन्विंस करिया करो, विचारिया करो, हर बाणी का शब्द उदों पूरा हुंदा जे विच नानक नाम आ जावे। दसो पौड़ियां पढ़ लो, नानक भगता सदा विगास सुनिया दूख पाव का नाश, पौड़ी पूरी होगी। ऐसा नाम निरंजन होए, जिथे भी नानक नाम आऊगा शब्द के पिछे तो संपूर्णता मनी जाती है ना, तो जे शब्द नानक नाम तो बिना संपूर्ण नहीं फिर सिख धर्म का मूल मंत्र किवें संपूर्ण हो जाऊगा। धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे सिखो मैं लैके आया तुहाडे वास्ते सचखंड तो शब्द, ते इस शब्द नाले तुहानू जोड़ने हुण समा हो गया गुरसिख प्यारिओ। ये तुहानू बेनती तां कीती सी कि अज निगाह मारो सिख धर्म वल, असी शब्द गुरु तो टुट के
देहधारी गुरुआं दे नाल जुड़ रहे हैं। ते गुरु नानक सानू बनाउण वाला पैदा करन वाला दस रूपां विच आके अपना आप कुर्बान करन वाला साडे उते उहने सानू सचखंड तों लिया के शब्द दी बख्शिश कीती। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਪੀਰ ਦਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ।